ये है 26 साल के बागेश्वर धाम बाबा। आजकल दो दिन से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। और वो कहते हैं कि अगर आप में आत्मा चढ़ जाती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने आप को पीटने लग जाओ। इसके अलावा बाबा का कहना है कि वो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं आपके बस चेहरे को देखकर, क्योंकि उनके पास एक तीसरी आंख है। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। ऐसी चीजों की वजह से ये बाबा अभी बहुत पॉपुलर हो गए। जैसे उड़ीसा के 37 साल के नरेश यादव के बारे में बात करते हैं, जो कई दिनों तक रोड पर बस रोल कर रहे थे बागेश्वर धाम बाबा के पास पहुंचने के लिए। और नरेश यादव का ये तरीका था ये दिखाने के लिए कि वो बाबा के लिए क्या क्या त्याग सकते हैं, और इस चीज के लिए उन्होंने चलना त्याग दिया। अब कई लोगों ने इस बाबा को फ्रॉड बुलाया है कि क्या एक बार फिर आस्था के नाम पर अंधविश्वास का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पर इसके बावजूद बाबा की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, तो क्या कारण है जिसकी वजह से इतने सारे लोग इस बाबा की तरफ जा रहे हैं? और ये इंडिया में पहले बाबा नहीं है जो इतने पॉपुलर हुए। इंडिया में आपको अतरंगी तरीके के बाबा मिल जाएंगे, कुछ जो कैंसर सॉल्व करते हैं। मदर को कैंसर है, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। और दूसरे जो म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, आसाराम बापू के फॉलोअर्स अभी भी ट्विटर पर उनको सपोर्ट करते हैं, इसके बावजूद कि 2013 में उनको एक छोटी लड़की के रेप की ने सजा मिली। आसाराम को कल रात इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पर ऐसी चीजों के बावजूद ऐसे बाबा की पॉपुलैरिटी इतनी कम नहीं होती। बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन सब इन बाबाओं के पास जाते हैं, तो ऐसा क्यों है कि लाखों लोग हमारे देश में इन बाबाओं की आश्रम में जाते हैं? इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले बागेश्वर धाम बाबा के बारे में बात करते हैं। इन बाबा का रियल नाम है धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री, और वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। बचपन से धर्म का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है उनकी जिंदगी में, और उन्होंने राम कथा और दिव्य दरबार स्टार्ट कर दिए, जहाँ उन्होंने ये कहा कि वो लोगों का मन पढ़ सकते हैं। कैसे? दिव्य शक्ति यूज करके। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। पर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी जब ये दिव्य दरबार टीवी पर आने लगे। इनको यही कहना था कि छू के प्रणाम करना है, इनका पहले ही छू लो, झंझट खत्म। इन दरबार में बाबा ने दिखाया कि वो चमत्कार कर सकते थे और लोगों की कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। एक बार बाबा के पास एक माँ अपने बीमार बेटे को लेकर आई। बाबा ने कहा कि आपको बस कुछ मंत्र पढ़ने हर दिन, इससे आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा और आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें भी चली जाएंगी। इस मंत्र को आप 108 बार बोलकर, 5 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रखकर रोगी को बांध दीजिए। कुछ लोगों को बाबा ने कुछ और ही चीजें सजेस्ट करी, पर ये बाबा भी मॉडर्न थे। उन्होंने अपना प्रोग्राम बस टेलीविजन पर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने यूट्यूब पर भी लगाया। 2019 में उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया और आज उनके करीब 50 लाख फॉलोअर्स है। और रेगुलरली इन वीडियोज में बाबा दिखाते हैं कि वो कैसे अपने फॉलोअर्स की दिक्कतें सॉल्व कर रहे हैं। आशीर्वाद है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे पॉलिटिक्स भी है। बाबा ने कई बार हिंदू राष्ट्र और पॉलिटिकल मुद्दों पर टिप्पणी दी है, और उनके कमेंट्स कई बार वायरल कर दिए जाते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पर। कट्टरता तो घातक हो सकती है, बाप को बाप कहना घातक है। ये घातकपन रहना चाहिए। अब कई रैशनलिस्ट लोगों ने ये कहा है कि बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, बल्कि वो मेंटलिज्म को यूज कर रहे हैं, जो बेसिकली एक टेक्निक है जिसे आप ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो क्या करेंगे। कई लोगों ने कहा है कि बाबा उल्टा अंधविश्वास फैला रहे। इस साल जनवरी में बाबा ने राम कथा आयोजन करी थी नागपुर में, तब श्याम मानव जो एक एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, उन्होंने बाबा को एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने साथ 10 रैंडम लोगों को लेकर आएंगे और वो चैलेंज देते कि बाबा उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर से आप बताइए। श्याम मानव ने कहा कि अगर बाबा ये कर पाए तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा। पर हुआ क्या, बाबा ने अपना इवेंट कैंसिल कर दिया। जब बाबा से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो डरे नहीं, बल्कि वो कहते कि श्याम मानव रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है, वेलकम टू यू रायपुर। पर इससे भी उनकी पॉपुलैरिटी को इतना बड़ा असर पड़ा नहीं। और अंधविश्वास भी अकेली प्रॉब्लम नहीं है इस बाबा से। वीडियोस में बाबा ने अनटचेबिलिटी भी दिखाई है, जो इंडियन लॉ के हिसाब से
इनलीगल है। बस 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 छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। ये चीजें तो बस इनलीगल है। दूसरे बाबाओं को तो कोर्ट्स ने जेल भी भेज दिया है, पर उसके बावजूद उनके फॉलोअर्स अभी भी ये नहीं मानते कि उनके बाबा ने कुछ गलती करी है। तो अब मुद्दे पर आते हैं कि हम जैसे लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं। इस चीज के पीछे तीन कारण है। पहला कारण है कि ये बाबा एक बिजनेस चला रहे। किस चीज का बिजनेस? आशा, होप का बिजनेस। गुरुजी नौकरी का प्रश्न है, मुझे डेट बता दीजिए कब लगेगी। 8 दिसंबर का योग बन रहा है। क्योंकि उनकी दिक्कतें ट्रेडिशनल रिलीजन और हमारे पॉलिटिशियंस सॉल्व नहीं कर पाए। कान के गिरवे रख के मैं यहाँ पे दिव्य दरबार में आई हूँ गुरुजी, मैं क्या बताऊँ, मेरा घर की कंडीशन ये है। और बाबा कहते हैं कि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे पंजाब और हरियाणा का एग्जांपल देते हैं। इन स्टेट्स में कई आपको डेरा मिलेंगे जहाँ एक गुरु अपने फॉलोअर्स को सीख दे रहा होगा। अब आप पूछेंगे कि पंजाब जैसी जगह में इन डेराओं की क्या जरूरत है जब उधर कई गुरुद्वारे हैं। जब सिखिज्म का जन्म हुआ था तो कई लोअर कास्ट हिंदूज ने सिखिज्म को अपनाया था, क्योंकि कास्टिज्म की वजह से उनके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा था हिंदुइज्म में, जबकि सिखिज्म में इक्वालिटी की बात हो रही थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कई बार बातें हुई हैं इसी इक्वालिटी के बारे में। बताया जाता है कि चारों कास्ट एक समान है सिखिज्म में, पर कुछ बार गुरुद्वारों में ये इक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं होती। पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर संतोख सिंह कहते हैं कि चाहे सिख गुरुज इक्वालिटी की बात करें, पर सिखिज्म ने कई लोअर कास्ट लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया है। दलित सिखों के खिलाफ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है गुरुद्वारों में। जो तनाड लोग ने जी कदे नहीं चाहते है भी दलता दो अपनी गर्दन ऊंची करके जी सके। आत्म संस्कार करने के लिए भी कई दलित सिख के लिए अलग जगह बनाई गई है, जबकि ये डेरा कहते हैं कि वो सभी लोगों के लिए ओपन है, चाहे आप दलित हो या फिर ना। इक्वालिटी के अलावा ये डेराज आपको एक्सेप्टेड फील करवाते हैं। जैसे डेरा सच्चा सौदा जो राम रहीम सिंह का डेरा है, उसमें सभी लोगों को एक कॉमन सरनेम इंसान दे दिया जाता है। अब ऐसे समाज में जहां आपके नाम से आपकी कास्ट का अनुमान लगा लिया जाता है, सबका सेम सरनेम रखने से लोगों को लगता है कि वो एक्सेप्टेड है इस डेरा में, उनके खिलाफ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी वजह से डेरा के कई फॉलोअर्स ऐसी कम्युनिटीज से आते हैं जिनके खिलाफ समाज में भेदभाव किया जाता है, चाहे वो लोअर कास्ट हो या लोअर क्लास। इसके अलावा डेरा में घुसने के लिए आपको अपना रिलीजन भी नहीं छोड़ना, आपको एक नया रिलीजन अपनाने की जरूरत नहीं है। जैसे इनका नाम है गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, जिस नाम में हिंदू मुस्लिम और सिख नाम है। इसी वजह से ऑथर विनीता दावरा नंगिया कहती है कि ऐसे बाबा बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, वो दिखाते हैं कि वो कमजोर लोगों की कितनी इज्जत करते हैं। जैसे आसाराम बापू के आश्रम में चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स थे, राम रहीम ने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए। तो इन बाबाओं ने कई लोगों को ये बताया बेसिकली कि हम आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, और ये ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स ना पॉलिटिशियन सुनते हैं और ना ही ट्रेडिशनल रिलीजन के लोग। दूसरा कारण है कि ये बाबा आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे राम रहीम सिंह के पास एक किसान है जिन्होंने कहा कि मैं डेली ड्रिंक करता था और अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करता था। राम रहीम के फॉलोअर बनने के बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और ऐसे आप किससे कई बार सुनोगे। आज इंडिया में करीब 90% लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और 80% लोगों ने कहा है कि वो अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात एक डॉक्टर से करने से कतराते हैं। ऐसे सिनारियोज में मनोहर भाटिया कहते हैं कि बाबा एक साइकोलॉजिस्ट, फैमिली कंसल्टेंट और एक गुरु का रोल निभाते हैं, जो लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सोल्यूशन देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर सवाल ये है कि जब इन बाबाओं के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, तो वो ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाते हैं? इसका जवाब था इस डॉक्यूमेंट्री में। इस डॉक्यूमेंट्री में किरदार निभाए विक्रम गांधी ने, जो अमेरिका में एक फिल्म मेकर है। जब वो इंडिया आते हैं, वो दंग रह जाते हैं कि इंडिया में इतने लोग फैसिनेटेड हैं स्पिरिचुअल गुरुज से। इसलिए वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं, जहां वो अमेरिका में वापस जाते हैं और एक गुरु का भेष धारण कर लेते हैं। हेलो। जिसके पास तरकीब है जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो मेडिटेशन करने लग गया और बनी बनाई चीजें बोलने लग गया। Begin to feel blue light। लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो कितना धार्मिक है। और आप मानोगे नहीं कि धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लग गए, कई लोग उनके पास आने लग गए अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। और इनफैक्ट कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस बाबा की वजह से उनकी जिंदगी में चेंज भी आने लगा है। I will tell my kids, my grandkids about this wonderful person came into my life and changed me। तो ये हुआ कैसे?
प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से। प्लेसिबो बेसिकली ऐसी ट्रीटमेंट है जहां आपको लगता है कि आपको एक दवाई दी जा रही है पर असली में वो दवाई नकली है। जैसे मान लो आप कमजोर फील कर रहे हैं और मैं आपको एक ग्लास थमा दूं, आप वो ग्लास पी जाओगे ये समझ के कि उस ग्लास में दवाई है, पर उस ग्लास में एक्चुअली बस पानी है। पर आपका दिमाग ये मान देगा कि क्योंकि आपने दवाई ली है तो अब आप बेहतर फील करने लग जाओगे। इसी को कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। और रिसर्च ने दिखाया कि डिप्रेशन, स्लीप और कैंसर जैसी बीमारियों में भी प्लेसिबो इफेक्ट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए लोग पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं क्योंकि ऐसी चीजें कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। तो जब ये बाबा भी अपनी सलाह देते हैं उस सलाह में कुछ जादू ही नहीं है, जादू ही बस ये है जब वो फॉलोअर्स मान जाते हैं कि उस सलाह की वजह से उनकी जिंदगी चेंज होने वाली है। तीसरा कारण जिसकी वजह से ऐसे बाबा फेमस हो रहे हैं वो है पॉलिटिक्स। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 2013 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूपी के उन्नाव में डोंडिया खेड़ा गांव में 1000 टन सोने की तलाश में खुदाई जारी है। क्यों? क्योंकि एक लोकल बाबा ने इंडिया के एक यूनियन मिनिस्टर को कहा कि उस फोर्ट के पास 1000 टन का सोना है। एक साधु ने सपना देखा, एक मंत्री ने सपने पर एतबार कर लिया और एक राजा के किले में खुदाई हो गई। बाबा ने मिनिस्टर को कहा कि इंडिया की आर्थिक दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी अगर वो खुदाई स्टार्ट कर दे। इसी वजह से यूनियन मिनिस्टर ने एएसआई को वो खुदाई करने के लिए कहा। अब ये एक उदाहरण था जहाँ एक बड़ा पॉलिटिशियन ऐसे बाबाओं की बातें में विश्वास करता था। पर पॉलिटिशियंस इन बाबाओं के आगे बस ऐसी चीजों की वजह से नहीं झुकते बल्कि वोट्स के लिए भी झुकते हैं। इन बाबाओं के पास क्या है? बहुत बड़ी फॉलोइंग। पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? वोट्स। तो पॉलिटिशियंस इन बाबाओं के पास जाते हैं ये कहने के लिए कि आप हमें वोट्स दो और हम आपको तंग नहीं करेंगे। इसी वजह से आपने देखा है कि बागेश्वर धाम बाबाओं के पास भी कई कांग्रेस और बीजेपी मिनिस्टर्स गए हैं। 2018 में एक अनोखे बाबा फेमस हुए थे, कंप्यूटर बाबा, जो मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना करने लग गए। नर्मदा को यदि बचाना है और गौ माता को बचाना है, गौ की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, शिवराज सरकार को जड़ से उखाड़ के मध्य प्रदेश से बाहर फेंकना होगा। चीफ मिनिस्टर के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद कंप्यूटर बाबा ने अपनी आलोचना बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उनको सरकार में एक मिनिस्टर का पद दे दिया गया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग बाबाओं की सलाह क्यों माने लग जाते हैं? उसके पीछे कारण ये है कि हमारे देश में धर्म बहुत जरूरी है पर भगवान से बात करना इतना आसान नहीं है। भगवान से बात करना एक वन वे कम्युनिकेशन है, जहाँ आप भगवान से बात कर सकते हैं पर भगवान आपसे बात नहीं कर सकते। और ये बाबा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके पास एक दिव्य शक्ति है और वो भगवान की बात आप तक पहुंचा सकते हैं और आपकी बात भगवान तक। संजय श्रीवास्तव जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है JNU में, वो कहते हैं कि ये बाबा एक वन टू वन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। एक और चीज है कि ऐसे बाबा इंस्टेंट सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। किसी आदमी के सिर पे कर्जा और वो कर्जे के भार से मुक्त होना चाहता है तो एक 5 बत्ती वाला दीपक शिव मंदिर में ले जाकर जला दे। ऐसे योग बनते जाएंगे कि कर्जे का भार जल्दी उतर जाए, निर्भार हो जाए। और हम में से कौन नहीं चाहेगा कि हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। अब अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेंगे कि अगर आपके पास कैंसर है तो इसकी 5 साल की ट्रीटमेंट है, अगर आप सो नहीं पा रहे तो आपको एक लंबा मेडिटेशन का कोर्स करना होगा, अगर फाइनेंशियल दिक्कतें हैं तो आपको अपनी हैबिट्स बहुत धीरे धीरे चेंज करनी होगी। पर ये बाबा ना ज्यादा पैसा मांगते हैं और ना समय, बल्कि वो आपको कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व हो सकती है। थोड़ा घर में परेशानी चल रही है बाबा जी। गाय को रोटी कब खिलाई भाई? ये बताओ कि रोटी पर घी लगा के कभी खिलाया था? नहीं, रोटी पे घी लगा के नहीं। एक बार खिला देना गाय जी, कृपा आ रही है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो अच्छी बात है। प्रॉब्लम इस प्लेसिबो इफेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है कि ये बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं जिसका एक बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में 2 बहनों का मुर्डर हुआ था। ये मुर्डर किया किसने था? उन दोनों लड़कियों के माता पिता ने। The couple accused of killing their own 2 daughters believing that they can be resurrected has been arrested. क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर वो अपने बच्चे को मार देंगे तो उन बच्चों का पुनर्जन्म होगा सत्ययुग में। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो माता पिता कई बाबाओं को फॉलो करते थे और क्लियरली ऐसा अंधविश्वास बहुत डेंजरस हो सकता है। फिर हमने देखा कि कई बाबाओं ने लाचार लोगों की एडवांटेज भी उठाई है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बता दो, दिल्ली में एक 14 साल की बच्ची थी सृष्टि और उसके माता पिता अपनी समर वेकेशन के दौरान उस बच्ची को एक बाबा के पास लेकर जाते थे, वीरेंद्र देव दीक्षित। अपने आश्रम में एक रात 11 बजे बाबा ने अपने एक असिस्टेंट को भेजा उस लड़की के पास ये कहने के लिए कि बाबा उस लड़की को आशीर्वाद देना चाहते हैं अकेले में। और हुआ क्या, इस चीज का आप अनुमान लगा सकते हैं। जब लड़की ने कंप्लेन करने की कोशिश करी तो आश्रम के लोगों ने कहा कि आपको बाबा का आशीर्वाद मिला है, आपको खुश होना चाहिए कि आपको भगवान ने छुआ है और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं था।
गया। एक 13 साल की लड़की ने जब इन बाबा के खिलाफ आरोप लगाया तो उनको बोला गया कि अगर वो बाबा के खिलाफ जाएंगी तो उनको अगले जन्म में बहुत भुगतना पड़ेगा। और बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसे बाबाओं को सबक सिखाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आरोपी के अलावा दूसरे फॉलोअर्स एकदम अंधभक्त बन जाते हैं इन बाबाओं के, जो विश्वास ही नहीं करते कि उनका बाबा कुछ गलत कर सकता है। देव दीक्षित में आपका विश्वास है बाबा जो है? हाँ, मेरा तो है, बाबा की भरकुटी जो मैंने महसूस किया शिव पिता को। ऑथर भगदीप कांग ने बताया कि लोग ये मानने लग जाते हैं कि उनका गुरु एकदम प्योर है। वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि गुरु या फिर बाबा फ्रॉड भी हो सकते हैं। जैसे जब एक नोएडा के डॉक्टर ने करौली बाबा को चैलेंज किया अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए, तो उल्टा उस डॉक्टर को पीट दिया गया। चमत्कार दिखाने में विफल हुए तो समर्थकों ने जमकर पीटा। दूसरी समस्या ये है कि जब तक इन बाबाओं के फॉलोअर्स हैं, पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी एक्शन लेना। जैसे बाबा रामदेव की बात करते हैं, जिन्होंने बहुत धामधूम से कोरोना लॉन्च करी थी ये कहकर कि वो कोविड को सॉल्व कर देंगे। वहीं इस नई दवा को लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि की कोरोनिल टेबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खुद कहा था कि बाबा की दवाई बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक चेतावनी दी बाबा रामदेव को, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब इस चीज के सोल्यूशंस क्या है? पहली चीज है कि हम अंधविश्वास हटाने की कोशिश कर सकते हैं हमारे समाज। कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने एंटी सुपरस्टिशन एक्ट पास करी है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बारे में इतना विचार नहीं किया। सरकार के लिए जरूरी है कि साइंस भी प्रमोट करी जाए सभी लोगों के बीच, और कई एनजीओ ऐसा करने की कोशिश कर रही है। जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक एनजीओ है जो साइंस को प्रमोट करने की कोशिश करती है। याच्यात भूत वगैरह काही नाही आहे, एक साधा विज्ञानाचा नियम आहे। या विज्ञानाच्या नियमानुसार अशा पद्धतीने बुवा बाबा लोकांना फसवत असतात। फिर उत्तर प्रदेश में राज कमल श्रीवास्तव काही वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों को ये दिखाने के लिए कि इन बाबाओं के पास कोई चमत्कारी एबिलिटीज नहीं है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी चीजें 25 साल कर रहे हैं पब्लिक को जागरूक करने के लिए। वो कहते हैं कि वो खुद जलते हुए कोयले पर चलते हैं और जलती हुई चीजें अपने मुंह पर रखते हैं ये दिखाने के लिए कि चमत्कार नहीं है बल्कि इन चीजों के लिए प्रैक्टिस चाहिए। ऐसी चीजें करके उन्होंने 125 से ज्यादा बाबाओं को एक्सपोज किया है। फिर दूसरी चीज है कि हम बाबाओं को जेल में तो डाल देंगे, पर जब तक हम जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक नए बाबा आते रहेंगे। कुछ बाबा भगवे कपड़े पहनकर YouTube में प्रचार करते हैं और कुछ अंग्रेजी में मोटिवेशनल ज्ञान देते हैं Instagram पर दोनों के तौर तरीके सेम है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी जब हम मेंटल हेल्थ जैसी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। अंजलि नागपाल जो दिल्ली की एक साइकाइट्रिस्ट है, वो कहती कि मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट हमारी सरकार को एक नेशनल प्रायोरिटी बनानी होगी। हमें मेंटल हेल्थ के बारे में और अवेयरनेस फैलानी होगी ताकि लोगों को ये ना लगे कि अगर वो एक डॉक्टर के पास गए तो लोग उनको पागल बुलाएंगे। ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सरकार को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांगनी चाहिए। जैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है माइंड, जो कई वर्कशॉप्स बनाती है गांव-गांव में लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताने के लिए। वो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल कंसल्टेशन भी देते हैं। सरकार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट दे सकती है मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और तीसरी चीज है रिलीजन और पॉलिटिक्स। ऐसे बाबा के पास लोग तब जाते हैं जब उनके और सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जब समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, जब राजनीति में पॉलिटिशियंस उनकी बात नहीं सुनते। और जब तक हम वो सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक ये बाबाओं के रूप बदलते रहेंगे, या तो YouTube पर या फिर Instagram पर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, जहाँ हम बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में हम इतनी बात नहीं करते कि कई इंडियन लड़के इतने क्रीपी क्यों होते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना।